दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का चरित्र दीपक की रोशनी जैसा होता है जो दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है। अच्छे चरित्र के रोगों से जीवन को नई राह और प्रेरणा मिलती है। चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे और वो समाज में आदर प्राप्त कर सकें। किसी महिला का चरित्र यदि गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है और अपमान का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों चरित्रहीन महिलाएं पशुओं तथा नारकीय जीवों से ज्यादा नीची होती हैं, क्योंकि पशु और नारकीय जीव पहले किए हुए पाप कर्मों का फल भोग कर मनुष्यता की तरफ आ रहे हैं, परंतु चरित्रहीन महिला पापों में लगकर पशुता तथा नरक की तरफ जा रही है। ऐसी स्त्रियों का संग भी पतन करने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आचार्य चाणक्य ने वो कौन सी नीति बताई है जिससे कि चरित्रहीन महिला की पहचान आसानी से की जा सकती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नंबर एक है मदिरा पान करने वाली। शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो उसे अपशय का सामना करना पड़ता है। मदिरापान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत खो देती हैं। और मित्रों नंबर दो है पति के साथ ना रहने वाली। पति के साथ ना रहने वाली महिलाएं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। विवाह के उपरांत पति के साथ रहने पर ही महिला को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। और मित्रों नंबर तीन है दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली। दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। और मित्रों नंबर चार है असमय एवं देर से उठने वाली। असमय एवं देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का तो नुकसान करती ही हैं, साथ ही पारिवारिक दायित्व ठीक से नहीं निभा पाती, इसीलिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। और मित्रों नंबर पांच है अपने घर में ना रहने वाली। दोस्तों पिता और पति ये दो घर ही महिलाओं के लिए उपयुक्त माने गए हैं। अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहने वाली महिलाओं के चरित्र में दोष आ सकता है। किसी दूसरे के घर में चाहे जितना भी ऐसो आराम हो, लेकिन जो सुख और अपनापन पिता और पति के घर में प्राप्त हो सकता है वह कहीं और नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।